दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग दिन में वीडियो नहीं बना पाए, ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि घर पे काम हो रहा था। पहले जो मिस्त्री जिसने काम किया था वो, उसको पैसा हम लोगों ने मालूम नहीं था और पेमेंट कर दिया आधे के काम पे। हम लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया तो उसने काम को आधा ही छोड़ के चला गया। जो बारीकी से काम होता उसने काम नहीं किया, जैसे कि टाइल्स वगैरह बिठाते तो उसमें वाइट सीमेंट भरते हैं या पॉलिश करते हैं, उसने कुछ काम नहीं किया था। तो आज हम लोगों ने दूसरे मिस्त्री को बुला के काम कराया। इसके लिए अभी जस्ट काम ख़त्म हुआ है तो अभी वीडियो बना रही हूँ। इस टाइम पे 8:30 हो रहा है शाम के टाइम, और हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। पीयू बेबी जो है ट्यूशन गई है, उनको जा रही हूँ मैं ट्यूशन लेने के लिए। और खाने तैयारी हो रहा है। ये देखिए सुहानी जो है खाने की तैयारी कर रही हैं। आज खाने में सोयाबीन की सब्जी बन रही है कि जो कि बहुत टेस्टी होता है। सोयाबीन का सब्जी बनता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मटन और चिकन का टेस्ट होता है ना वैसा बनता है। अगर आप थोड़ा सा उसको फ्राई करके वगैरह, मतलब गरम मसाला वगैरह में डालते हैं ना, जैसे कि बनाते हैं थोड़ा ज़्यादा मसाला, थोड़ा ज़्यादा तेल और खड़ा गरम मसाला, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आज मेरे घर पर वो बनने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ पीहू को ट्यूशन से लेने। और ये रही पीहू, ट्यूशन से आ गई है। हाय बोल दो। हाय। ट्यूशन से आ गई है ना? हाँ। जस्ट आई हो? यस। और क्या करना है अभी तुमको? अभी 10 रुपया लेके महाराज के यहाँ पे जाना है, और जो सर्कल से मैं जो पहनाती उसे लेना, उसे ड्राइंग बुक में कुछ बनाना है। देखा, तो बच्चों को हरदम पैसा चाहिए रहता है। मैडम को पैसा चाहिए, पैसा लेके अपने लिए बच्चों वाला पेन लाएंगी। बोलती है मम्मी मैं आपका पेन बार बार लेती हूँ, आपको डिस्टर्ब होता है, तो मैं एक काम करती हूँ मैं खुद का बच्चों वाला पेन ले लूँ। श्रद्धा कहाँ जा रही है बेटा? बुक वापस करने। मैंने अपने फ्रेंड से टेक्स्ट बुक ली थी, क्योंकि मेरी टेक्स्ट बुक मिल गई थी, तो वही वापस करने जाऊँ। बिल्कुल, जाके देखे आओ जिसका लिया है, इसको भी साथ में लेके जाओ। इसको महाराज के यहाँ से कुछ लेना है, दुकान से, आई मीन वो दुकानदार का नाम जो है महाराज है, सब लोग उनको महाराज महाराज बुलाते हैं, कि उन्हीं के दुकान पे ज़्यादा पसंद करती है जाना, महाराज अंकल के दुकान पे। बैग रखो, जा लेके आओ। अब रात के खाने की तैयारी हो रही है, तो फटाफट जो है धनिया के पत्ती को साफ कर दे, कर दे। सोयाबीन की सब्जी में जो है लहसुन थोड़ा ज्यादा लगता है टेस्टी बनाने के लिए। तो गाइस ये ना एक पेन पेंसिल है, पीहू ने दुकान से ये लेके आया है। हाँ, महाराज की दुकान, महाराज की दुकान से। और मैं दिखाती हूँ ये खुलता है, ये रुको मैं खोल के बुलाती हूँ, ऐसे नीचे फिर ऊपर ऐसे जोड़ देते हैं। हाँ। और फिर यहाँ से लिखते हैं, अगर खत्म हो गई एक कलर की तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, सब में नोट रहती है। हाँ जी, हाँ गई ये। और उसको बंद कर दो, उसको टोपन भी है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारे घर पर सोयाबीन की सब्जी बनी है। सोयाबीन की सब्जी बन रही है, तो ये देखिए सोयाबीन की सब्जी बना रही है। तो सबसे पहले सोयाबीन को हम लोगों ने फ्राई कर दिया है, और ये बटाटा है, आलू इसको भी तेल में तल के निकाल लिए हैं। उसके बाद जो है लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा और ये सब का पेस्ट बनाएंगे, और थोड़ा सा कांदा जो है डल देंगे, और कांदे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा ये हो जाए और थोड़ा सा कच्चा रहे, इसको भी निकाल लेंगे। इसको भी निकाल के इसी मसाले में डाल के पीस देंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको फिर से तड़का देंगे,
और मसाला भूनेंगे, और इसके बाद जैसे सब्जी और बनती है वैसे ही बनेंगे। बस इसमें ये जो कांदा है ना, ये कांदे को थोड़ा सा फ्राई करना रहता है। अरे पीहू तुम क्या खा रही हो बेटा? बिस्किट खा रही हो? टेस्टी है। ये कहाँ से सीखा? ये मेरी टीचर सिखाती है। टीचर सिखाती है कि जो तुम मोबाइल देखती हो उसमें रहता है?